Now friends, let me solve problem number 1.82 for you. It's a very interesting problem over the concept of application of pseudo force. Let's read the problem statement. There's figure associated with the problem statement, and I'll draw the figure also. The problem reads like this. In the arrangement shown in figure 1.24, let's draw this figure first. A prism which looks something like this. Here angle given is alpha. There is a horizontal and a vertical wall. And here we have got a pulley, here we see a block and a thread tied to this block running over the pulley and attached with this vertical wall. The mass small m and capital M as indicated. In the arrangement shown in this figure, see the figure. A prism having an angle alpha, capital mass M, small m, block lying over the prism, there is a pulley, there is a figure. The mass small m of the bar and capital M of the wedge, as well as wedge angle alpha is known. The mass of pulley and thread are negligible, the friction is absent, find acceleration of wedge M. This wedge would accelerate in this direction and we need to determine acceleration A of this wedge M. There is no friction, the problem is over the concept of Newton's law. And this is almost the last problem of this series of problem in the book. This book mein is series ka last problem hai. We need to choose the free body diagram, we need to identify external forces, we need to formulate the equation, and finally we need to solve for acceleration of this wedge M. Now, the first step in order to solve this problem is indicate and relate the accelerations. Alag alag bodies ke, alag alag particles ke acceleration ko indicate karo aur relate kar do. To sabse pehla kaam main wahi karunga. Maine is wedge ka acceleration to indicate kar diya hai aur yahi mujhe determine karna hai. इसके अलावा एक और पार्टिकल है एंड दैट पार्टिकल इज दिस. मुझे इसका एक्सीलरेशन इंडिकेट करना है, असाइन करना है और रिलेट भी कर देना है. देखिए मैं सबसे पहले यहां करूंगा. मैं कहता हूं जब यह वेज ए एक्सीलरेशन से आगे जाएगा तब इस ब्लॉक के दो एक्सीलरेशन होंगे. जरा सोचिए, यह जब आगे जा रहा है तो यह थ्रेड ए एक्सीलरेशन से रिलीज होएगा और इस थ्रेड के इधर से रिलीज होने से वह थ्रेड इधर हैंग होएगा और इसके इधर हैंग होने से यह ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएगा और इस वेज के साथ यह ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेगा. बस ये ही समझना, इसे इंडिकेट करना और इसे रिलेट करके इस तरह से लिख देना, यह सबसे बड़ा चैलेंज है इस प्रॉब्लम में. जिसने इस बात को समझ ली वह इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर लेगा. इसके बाद अगला फ्री बॉडी डायग्राम चूज करना भी एक इंटरेस्टिंग काम है. पर इस बात को समझना कि यदि यह वेज ए एक्सीलरेशन से इधर जाता है तो इस वेज के साथ साथ यह ब्लॉक भी ए एक्सीलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ए एक्सीलरेशन से मूव करेगा क्योंकि ये इस वेज के ऊपर रखा हुआ है. इसके अलावा एक और एक्सीलरेशन होएगा
इस ब्लॉक का, दैट इज यह इस थ्रेड से बंधा होने की वजह से, सिंस इट्स टाइड टू दिस थ्रेड, व्हेन दिस वेज मूव विथ एक्सीलरेशन ए, दिस थ्रेड वुड गेट फ्री एंड दिस थ्रेड वुड गेट एक्सीलरेटेड इन दिस डायरेक्शन विथ एक्सीलरेशन ए, हेंस दिस ब्लॉक विल हैव टू कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन. इस बात को समझना है सबसे पहले. अब हम क्या करते हैं, दो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे. पहला फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं इस मास को लेकर ही बनाऊंगा, सिर्फ इस ब्लॉक, इस बार को लेकर जो इस पर रखा हुआ है. मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को बना रहा हूं. मैं सबसे पहले इसकी यह सिचुएशन इंडिकेट करता हूं और इस पर दो एक्सीलरेशन को इसके साथ में इंडिकेट कर रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक अलोंग द वेज. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल आइडेंटिफाई एंड इंडिकेट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस में इस पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n विच वुड बी परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन, एंड अ टेंशन t विच इज अलोंग द थ्रेड. नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज आई कैन सी टू कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन. अ कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज अलोंग द टेंशन और परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन विच इज नाइदर अलोंग द टेंशन नॉर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल रिएक्शन, इट्स इन द प्लेन. नाउ फॉर दिस फ्री बॉडी डायग्राम डेफिनेटली हम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस. हम यह कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करने वाले हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस वुड बी अलोंग द नॉर्मल एंड अलोंग द टेंशन, मींस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द प्लेन ऑफ दिस वेज एंड परपेंडिकुलर टू एच. हम यह कोऑर्डिनेट एक्सिस इसलिए लेंगे बिकॉज आफ्टर चूजिंग दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस वी डू नॉट नीड टू रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज टेंशन. रिएक्शन फोर्सेस को हम रिजॉल्व करना अवॉइड करते. तो यह जो एक्सीलरेशन विच इज अलोंग द एक्सिस, दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, इससे हमें कोई समस्या नहीं है. मगर यह जो एक्सीलरेशन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यह हमारी इक्वेशंस को बनाने में व्यर्थ में तकलीफ क्रिएट करेगा. हम इस एक्सीलरेशन को खत्म करेंगे किस तरह से, सिडो फोर्स लगा के. इसके अपोजिट हम एक सिडो फोर्स लगाएंगे. मैं एक और बार इस फ्री बॉडी डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं. इस तरह से मैं mg इंडिकेट करूंगा जैसे पहले था, कोई फर्क नहीं. मैं टेंशन इंडिकेट करूंगा जैसे पहले था, कोई फर्क नहीं. मैं नॉर्मल रिएक्शन इंडिकेट करूंगा जैसे पहले था, कोई फर्क नहीं. इसके अलावा मैं एक फोर्स और दिखा देता हूं, एक्सीलरेशन के अपोजिट सुडो फोर्स ma. और अब वहां पर सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन का कंपोनेंट दिखेगा, एंड दैट इज अलोंग दिस वेज, अलोंग द इंक्लाइन. नाउ अब मैं तैयारी करता हूं फोर्सेस को रिजॉल्व करने की. फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए मैं वंस अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूं, यह कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के फोर्सेस के साथ में एंगल इंडिकेट करता हूं. दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज अल्फा. अब मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करके रीड्रॉ करूंगा. मैं एक और बार इस फ्री बॉडी डायग्राम को बना रहा हूं. फुल एंड फाइनल. और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा का ऐसा ही दिखाऊंगा. टेंशन भी अलोंग द एक्सिस है, उसको भी ऐसा का ऐसा ही. एक्सीलरेशन जो इंडिकेटेड है वह भी उसी तरह से. एमजी को रिजॉल्व करके दिखा रहा हूं.
mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, mg cos अल्फा, और mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, mg sin अल्फा। इसके साथ मैं ma को रिजॉल्व करके दिखाऊंगा। ma का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में होगा ma cos अल्फा और इस डायरेक्शन में होगा ma sin अल्फा। पहले इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखना है, फिर इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखना है, फिर इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखना है। और इन तीनों फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के बाद एक ही फ्री बॉडी डायग्राम को तीन अलग अलग स्टेप्स में बनाए, सो दैट समझ में आ सके। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। पहली एक इक्वेशन नॉर्मल रिएक्शन के लिए लिखी जा सकती है, ऑल्दो इट्स अ रिडंडेंट इक्वेशन, इट वुड नॉट बी यूज इन दिस प्रॉब्लम, बट येट मैं लिखता हूं mg cos अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos अल्फा माइनस ma sin अल्फा। दिस इज अ रिडंडेंट इक्वेशन हियर, ऑल्दो दिस इक्वेशन वुड बी रियली यूजफुल इफ फ्रिक्शन वुड हैव बीन देयर। यदि फ्रिक्शन होता तो यह एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इंडिकेट करने के लिए हम ऊपर की तरफ फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगाते और म्यू इनटू एन फ्रिक्शन फोर्स लगाते इन दैट केस। मगर फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन का इधर कोई खास यूज नहीं आएगा अगले फ्री बॉडी डायग्राम में भी। अब मैं इसके अलावा भी एक अलोंग द इंक्लाइन एक और इक्वेशन बनाता हूं, एंड दैट इक्वेशन इज, आप देखिए एक्सीलरेशन ए है, एक्सीलरेशन ए है, यह एक्सीलरेशन अब इतना सारा लिखा है इसमें घुमा हुआ दिख रहा है, मैं इधर आगे की तरफ लिख देता हूं। एक्सीलेटिंग फोर्स कौन सा है, एम ए कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा। इस एम ए का कंपोनेंट और एम जी का कंपोनेंट ये मिलकर एक्सीलेट कर रहा है, टेंशन अपोजिंग फोर्स है। तो मैं इंपॉर्टेंट इक्वेशन इधर लिख रहा हूं, एम ए कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए। फ्रॉम हियर आई कैन राइट टेंशन इज इक्वल टू एम ए कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा माइनस एम ए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच वी वुड बी यूजिंग। अब यह फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद, इससे रिलेटेड इक्वेशन सीखने के बाद, अब अगला फ्री बॉडी डायग्राम जो मैं चूज करूंगा, दैट इज दिस वेज अलोंग विथ द बार, इस बार के साथ में यह पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम। This would be my free body diagram, another free body diagram. अब मैं इस free body diagram को choose करने के बाद acceleration सबसे पहले indicate कर दूं। इसका acceleration a, it's in this direction, while for this bar a in horizontal and a along the incline. Beside it, normal reaction would become internal force. Normal reaction internal force होएगी between the two masses. We have got another force, that is mg. Capital M plus small m into g and normal reaction n dash. These are the free body diagram.
Now what I'll do is, once again, इसमें मैं coordinate axis कौन से choose करूँगा? Definitely coordinate axis इस बार मेरी horizontal और vertical रहेगी. Horizontal और vertical coordinate axis करूँगा, because normal reaction, reaction force is in vertical direction and we never prefer resolving reaction forces. Reaction forces को हम resolve नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से. और acceleration भी इस direction में horizontal, यह वाला acceleration भी horizontal, mg vertical, normal reaction vertical, the best choice of axis would be horizontal and vertical. अब इस situation में यह acceleration इस body का, यह जो acceleration का component है, यह मुझे problem create कर रहा है. मैं इस acceleration को खत्म करूंगा किस तरह से? Pseudo force लगाकर. Pseudo force लगाकर मैं इस acceleration को खत्म करूंगा. मैं एक और बार इस फ्री बॉडी डायग्राम को दिखा रहा हूं. इसके अलावा एक और फोर्स जो मैंने इंडिकेट नहीं करी है, इधर कर देना चाहिए, एंड दैट इज दिस टेंशन टी. इस थ्रेड का टेंशन टी, या थ्रेड टी टेंशन से इसको पुल करेगा. अब मैं एक और बार इस फ्री बॉडी डायग्राम को बना रहा हूं. देखिए यह एंगल अल्फा, मैं टेंशन टी ऐसा कैसा ही इंडिकेट करूंगा. टेंशन टी में कोई फर्क नहीं, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, इसमें कोई फर्क नहीं. नॉर्मल रिएक्शन इन डैश, इसमें कोई फर्क नहीं. एक्सीलरेशन जो इंडिकेट हो रहे हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं. यह वाला एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है इसमें कोई फर्क नहीं. ये जो कंपोनेंट एक्सीलरेशन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, इसे खत्म करने के लिए मैं इस एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से सुडो फोर्स एमए लगा दूंगा. यह जो सुडो फोर्स एमए है, यह हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल पर. नाउ ऑब्जर्व, अब एक रिडंडेंट इक्वेशन पहले लिख देता हूं नॉर्मल रिएक्शन एंड डैश के लिए, जो कोई काम की नहीं है. यह काम तब आती जब वहां पर फ्रिक्शन होता. फ्रिक्शन होता तो जरूर उपयोग आती, अदरवाइज नॉट. एन डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी माइनस एम ए साइन अल्फा. अब मैं काम की इक्वेशन लिखता हूं जिससे हमारा आंसर आएगा. दैट इज नाउ व्हाट इज, व्हाट आर द एक्सीलेटिंग फोर्सेस? टेंशन टी प्लस अ कंपोनेंट ऑफ एम ए. टेंशन टी प्लस कॉस कंपोनेंट ऑफ एम ए. टेंशन टी प्लस एम ए कॉस अल्फा, दिस आर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विच वुड एक्सीलरेट एंड दिस इज इक्वल टू दिस कैपिटल मास एम इज एक्सीलरेटेड एज वेल एज स्मॉल मास एम इज ऑल्सो एक्सीलरेटेड. सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू ए. This small m is accelerated with acceleration a in horizontal, and this capital mass m. Now this are the two equation for this free body diagram. Now what I'll do is, I had already wrote the expression for tension T. I'll substitute it here. हम इसे substitute करते हैं tension T के लिए. m a cos alpha plus और माइनस एम ए प्लस एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए. लेट मी कलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन. And this are the terms of acceleration, ma cos alpha plus ma cos alpha, 2ma, 2ma. So here I'll left with mg sin alpha is equal to capital M plus 2m plus or minus
2m cos alpha into A. I hope I am writing everything in perfect manner. Mg sin alpha, capital M, capital MA, plus 2MA, minus 2MA cos alpha. I think it's perfect. So, acceleration of the wedge is Mg sin alpha whole upon capital M plus 2M into 1 minus cos alpha. And this is the answer to this problem. The first thing is identifying, assigning and relating and then indicating these accelerations. Kis tarah se acceleration ko indicate kara hai? And the second thing is choosing the proper appropriate free body diagram. Appropriate free body diagram jisne sahi se choose kar liye, sare external forces indicate kar diye, resolve properly kar diya, equations bana li. Sare external forces indicate kar diye, coordinate axis choose karke resolve kar diya, equations bana li, and we get the answer. Please check it.